हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वह शुभ घड़ी पास आ ही गई जिसका हम सभी राम भक्तों को बेसब्री से इंतजार था। 22 जनवरी अयोध्या में श्री राम लला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा। यदि आप भी अपने घरों में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो इन बताए हुए तरीकों से करिएगा। इससे आपके घर में सदैव सुख समृद्धि शांति और खुशहाली का वातावरण। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर मंदिर की साफ सफाई करें। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक अवश्य बनाएं और छत की मुंडेर पर प्रभु श्री राम नाम का भगवा ध्वज जरूर लहराएं। यदि आपके घर में रामलला की मूर्ति नहीं है तो आप इस शुभ 22 जनवरी के शुभ अवसर पर नई रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। नई मूर्ति आप घर लेकर के आइए और भगवान श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, इसीलिए इसी मुहूर्त को सबसे ज़्यादा उत्तम समय माना गया है। उनका जो प्राण प्रतिष्ठा का समय है वो दोपहर का है, 12:29:08 से लेकर के 12:30:32 तक है। यदि आपके पास रामलला की मूर्ति है तो सबसे पहले मूर्ति को जलाभिषेक करें और पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद पुनः उन्हें जल से स्नान कराएं और मंदिर में स्थापित करें। प्रभु श्री राम के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। इसके पश्चात उन्हें धूप पुष्प और तिलक अर्पित करें और इस विशेष दिन पर आप कपूर भी जला सकते हैं और इसका धुआं आप पूरे घर में दिखाइए। भोग में खीर, मीठे चावल, आटे की पंजीरी, पंचामृत, मिठाई, फल, मेवे आदि रखें। श्री राम जन्म स्तुति के साथ राम जी की पूजा आरंभ करें। श्री राम जन्म स्तुति कुछ इस प्रकार है। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन आप तुलसी की 108 दाने वाली माला से अभिजीत मुहूर्त में सियाराम नाम का 11 माला जप करें। पूजा में भगवान राम की आरती अवश्य करें और यदि आप चाहें तो इस दिन आप राम रक्षा स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हैं। इस दिन आप रामचरितमानस का पाठ भी कर सकते हैं या फिर आप अपने किसी जानकार ब्राह्मण से रामायण का पाठ भी करवा सकते हैं। शाम के समय पूरे घर में दीपक जलाएं, खुशियों के साथ दिवाली मनाएं, रंगोलियां मनाएं और घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक अवश्य जलाएं। ये श्री रामचंद्र जी के आगमन का प्रतीक माना जाता है। भगवान श्री राम की सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आप जीवन में सदैव प्रसन्न रहेंगे। इसीलिए कहा गया है, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। बोलो जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।